अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल निज़ामाबाद के आज के इस वीडियो में मैं आपका खुशामदीद करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शराली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म की और अमल की तौफीक अता फरमाए। पिछली क्लास में हम क्या पढ़े थे बच्चों? हुर्फ के जुज़, ये यहाँ पर जैसे आपके स्ट्रोक्स होते ना, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये बे, बे की शक्ल, पे की शक्ल, ते की शक्ल, टे की शक्ल, से की शक्ल, ये आपके पास मौजूद थी। जीम की शक्ल, चीम की शक्ल, है की शक्ल, खै की शक्ल, ठीक है। ये मैं आपको पिछली क्लास में बताई थी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये लिख चुके होंगे 2 टाइम, ठीक है। आपके नोटबुक में ये नोट करिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हुर्फ जिनकी मुख्तसर शक्लें नहीं हैं, वो कौन से हैं? यहाँ देखें, अलिफ, दाल, ज़ाल, रे, अड़े, ज़े, ठीक है। ये है, और वाव भी है ना, उसकी शक्ल भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो यहाँ देखें बच्चों, ये कौन से हैं? ये इनको क्या कहते हैं? हुर्फ जिसकी मुख्तसर शक्लें नहीं हैं उसको क्या कहते हैं? शरारती नौ कहते हैं। क्या कहते हैं? शरारती नौ। तो यहाँ देखें, शरारती नौ, दिखाई दे रहा है, अलिफ, दाल, ज़ाल, रे, अड़े, ज़े, वाव। तो ये क्या है बच्चों? ये शरारती नौ हैं। इनको शरारती नौ किस लिए कहते हैं? इसीलिए क्योंकि इसके जुज़ नहीं हैं, ये दूसरे वाले हुर्फ से जाकर नहीं मिलते। जैसे यहाँ पर देखें, दाल, रे, दर होता, लेकिन क्या ये हुर्फ से मिला? नहीं मिला। दाल, मीम, दुम, तो ये देखिए यहाँ पर दाल मीम से मिला, नहीं मिला, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? शरारती हुर्फ। तो यहाँ देखें, अब ये हमारे पास हुर्फ पे है, पे का जुज रहने से ये रे से मिल गया, तो क्या हम पे को शरारती नौ बोल रहे? नहीं बोल रहे, क्योंकि पे दूसरे वाले हुर्फ से मिल रहा है, ठीक है, पेरे पर। तो ये शरारती नौ है। हुर्फ जिसके जुज नहीं है वो कौन से है? अलिफ, दाल, ज़ाल, रे, अड़े, ज़े, वाव। तो ये आपको हम अब तक पढ़े भी थे, समझ भी चुके हैं, लेकिन हम लिखे नहीं थे, तो आपकी बुक में ये नोट करिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं जो जो भी आपको पढ़ा रही हूँ वो आप है ना अपनी बुक में नोट करिए, ठीक है। अब हम देखेंगे अलिफ बे, अब अलिफ का जुज़ नहीं रहने से वो बे से नहीं जुड़ा। दाल वाव, दो, दाल का जुज़ नहीं रहने से वो वाव से नहीं जुड़ा। डाल रे, डर, डाल का जुज नहीं रहने से वो रे से नहीं जुड़ा। जाल रे, हे, जर्रा, यानि रेते, रुत, रे का जुज पहला रे से कोई हुर्फ नहीं बनता, ठीक है, रे आने के बाद कोई हुर्फ नहीं बनता, लेकिन बीच में रे आकर दूसरा हुर्फ बनता है, जैसे अलिफ ये ए, रे ईडी, एडी, बीच में आया रे, फर्स्ट में नहीं आया,
ड़े से कोई हुर्फ नहीं बनता। ज़े, ज़े अलिफ गैन ज़ाग। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, जिसका जुज़ नहीं है यह हुर्फ हमारे पास मौजूद है। ज़े अलिफ ज़ा लाम है लाह ज़ा लाह। तो अब यहाँ पर देखें, जिसका जुज़ है वो, जिसका जुज़ नहीं है उनसे जुड़ रहे। देखिए यहाँ पर मीम, मीम का जुज़ हमारे पास मौजूद है लेकिन दाल का जुज़ नहीं है, लेकिन मीम का जुज़ रहने से वो दूसरे वाले हुर्फ को जॉइंट हो गया है ना। अब यहाँ पर देखें दाल, दाल और ये दाल है। अब इससे दाल और दाल से जुड़ा नहीं जुड़ा दिखाई दे रहा है आपको। मीम दाल दाल मदद। काफ, काफ का जुज़ रहने से हे से जुड़ गया। हे का जुज़ रहने से ड़े से जुड़ गया। काफ हेड़े खड़। ऐन, ऐन का जुज़ रहने से ज़े से जुड़ गया। ठीक है, ज़े का जुज़ नहीं रहने से वो अलिफ से नहीं जुड़ा। ठीक है, ऐन ज़े अलिफ बे अजाब। अलिफ से रे असर। अलिफ ये ए, रे ईडी एडी। चीम ये ज़े चीज़। मीम ज़े दाल है मुज़दा। तो ये आपको आपकी बुक में नोट करना है। ठीक है, मैं जितने भी हुर्फ हुर्फ की मुख्तसर शक्लें बता रही हूँ, अब आपको क्या करना है, नोट करना है। ऑलरेडी हम इसके बारे में समझ चुके हैं चार्ट में, लेकिन हमको अपनी बुक में भी नोट करना है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से आपकी बुक में नोट करेंगे। डेट लिखिए, आज कौन सा डे है वो लिखिए, और आपका सब्जेक्ट क्या है वो लिखिए, आप कितने टाइम लिख रहे हैं वो लिखिए। तो ये देखिए, ये देखिए आपका क्या है, ये होमवर्क है। होमवर्क में आप क्या करेंगे, इसमें जीम चीम है खै की मुख्तलिफ शक्लों को पहचानिए। यानी इसमें कौन सी मुख्तलिफ शक्लें हैं जीम चीम है खै की, यानी उसका जीम चीम है खै के कौन से जुज है उसको आप पहचानेंगे। बीच में है, कहाँ है, किधर है, और है ना कैसी कैसी शक्लें हैं उनकी, उसको आप गौर करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर देखें सीन की शक्ल। सीन, सीन ऐसे वाले सीन से सब्ज बना, ऐसे वाले सीन से प्यासी बना। सीन दिखाई दे रहा है। शीन, शीन ये रे शेर। खैवो शीन ई खुशी। स्वाद, स्वाद अलिफ सा फे साफ। मीम स्वाद है फे मसहफ। तो ये इस तरह से हुरुफ, उसकी मुख्तसर शक्लें, और उन शक्लों से इस तरह से हम क्या करें अल्फाज बनाए। और यहाँ पर देखें आयन की शक्ल। आयन तो रे अतर। ऐसा आयन भी है, ऐसा आयन भी है, और ऐसा आयन भी आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है बच्चों, ये किस तरह से आयन है, ये देखें शीन मीम आयन। ये भी आयन ही है, ये भी आयन ही है, और ये भी आयन है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये भी फे है, ये बीच में भी आया फे है, और ये भी है फे। काफ, यहाँ पर देखें काफ, काफ की ऐसी शक्ल भी है और ऐसी शक्ल भी है। अलिफ से आया तो काफ ऐसा है, और काफ ऐसी भी शक्ल है लाम से आ रहा। गाफ लाम। मीम, मीम की शक्ल। मीम वाउज़े मौज। मीम ये नूने गुन्ना मैं। हे ये है, हेटे हट। ऐसे वाले है से हट बना, ऐसे वाले है से पहरा बना, ऐसे वाले है से वजह बना। तो ये आपको अपनी बुक में नोट करना है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैर।